अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डॉक्टर आलिया अहद और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल आस्क आलिया अहद में। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जिस टॉपिक पर है वो ये है कि मर्दाना उज़ू को ताकत वाली रेमेडी, यानी इतनी ख़तरनाक रेमेडी है कि इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। वो मर्द जिनका उज़ू लाकर है या जिनके उज़ू में झुकाव है या हम बिस्तरी के वक्त अकड़ता नहीं है या जल्दी साथ छोड़ देता है, जल्दी अनजाल हो जाता है, हमल नहीं छेड़ता, तो आज की जो रेमेडी है वो उज़ू को ताकत और साइज़ को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इतनी ख़तरनाक रेमेडी है कि आपके साइज़ में भी 40 डेज़ में खतरनाक इजाफ़ा हो जाएगा और उज़ू इतना सख्त हो जाएगा जैसे लगेगा लोहे का लट। तो चीज़ें आपको लेनी है वो ये है, आपने लेना है खरातीन खुश्क लेना है, यानी जिसे उर्दू में केशवे कहा जाता है, 1 तोला जो खुश्क लेना है आपको, 1 तोला। दोनों चीज़ें आपको इजीली पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। ख्याल रहे कि चीज़ें साफ़ सुथरी हों, नहीं तो पहले आपने उसे साफ़ कर लेना है। दोनों चीज़ों को मिक्स करके उसका एक सफूफ सा यानी पाउडर सा बना लें और उसे सेफली रखें। फिर गाय के दूध आपने लेना है हसब ज़रूरत, इतना कि ये दोनों चीज़ें जो आपने पीस के रखी हैं उसको गाय के दूध में मिक्स करके एक अच्छा सा लेप या पेस्ट तैयार कर लें। क्या करना है आपको, वज़ू पे इस पेस्ट को लगाना है, ठीक है, और इस तरीके से कि पूरा वज़ू जो है अच्छे से कवर हो जाए। एटलीस्ट आपको 6 घंटे और कम से कम आपको 4 घंटे आप इसको लगाएं। जब आपको लगे कि कुछ, वैसे तो इचिंग या जलन वगैरह नहीं होती, लेकिन 4 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा बस इसको 6 घंटे आपने लगाना है और इसके बाद आप अपने वज़ू को नीम गर्म पानी से वॉश कर लें। ख्याल रखें कि जब तक आप इस रेमेडी को यूज़ कर रहे हैं उतने दिन बीवी के करीब ना जाएँ, यानी हम बिस्तरी ना करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको महसूस होगा कि आपके उज़ू में सख्ती आ गई है, उसका लागरपन दूर हो गया है, इतना अच्छा तनाव आ जाएगा कि आपको हम बिस्तरे के टाइम पे कोई जो है वो कमज़ोरी महसूस नहीं होगी और साइज़ में भी खतरनाक इजाफा होगा। इसको इस्तेमाल कीजिए और इसके रिजल्ट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।